आयो मेरे भाई। मुझे लगता है कि जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं उसमें सारी कैटेगरीज जो है, राइटर हम लोग हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिक राइटर, लॉट और लॉट सिनेमाटोग्राफर, सारे ही कैटेगरी को एक पहचान मिलती है। लेकिन ये मुझे लगता है बहुत ही एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है, इसलिए कि जो इन्फ्लुएंस है वो जो है वो आज लोग उन्हें बहुत देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी पहचान भी है, लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं, बहुत इंटरटेन करते हैं वो। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस एंटरटेन के साथ साथ अगर थोड़ा सा कुछ सोशल मैसेज भी कभी कभी दिए तो ये सोने पे सुहागा होगा। एंड मैं अपने जो दोस्त थे मिस्टर अभिषेक सिंह एंड उनसे जुड़े हुए सारे लोग जो इस अवार्ड के हैं, कुणाल साहब, सारे लोग, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अपकमिंग अभी चल रहा है भूल भुलैया 3 का चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, बैठ के हम लोग लिख रहे हैं एंड अभी बस तैयारी हो गई है, जल्दी शुरू होगी। थैंक यू। Sir, you can give something about what you feel about the influencers and people like you and something. No, sir, if anybody asks, I can reply that. I can't answer like this. Good, yeah. आप लोग कैसे हैं वैसे? By the way, all are good. सब ठीक है? देखो, हम तो हमेशा बोलते हैं ना कि देश में जो चल रहा है, अगर it's a revolution. कैसे revolution है? क्रांति आती है ना? क्रांति क्या है? अभी internet क्रांति है. आप अपनी बात को पक्ष है, जो अच्छा रखना चाहते वो अच्छा रखेगा, जो कचरा रखना चाहता है वो कचरा रखेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स। मोबाइल का उपयोग अच्छी चीज़ के लिए हो तो देश तो एक दिन में बदल जाए। सो इन्फ्लुएंसर का मतलब है मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर सकें, दैट्स इट। देश की जनता के लिए नेता है ना भाषण देने, अपन काम करते हैं, नेता बहुत है, दे रहे हैं भाषण, अच्छी बात है, अपन अपना काम थोड़ा बहुत करते रहते हैं। यूथ जो है उसके लिए मैसेज है कि वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना, है ना। तो उनकी इज्जत करते रहें जो आपके लिए, अभी भी ना आप लोग कैमरा लगा के खड़े हैं तो बाहर फौज खड़ी है, बॉर्डर पे पुलिस खड़ी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। और भारत का कल्चर को रिस्पेक्ट करें, सबकी इज्जत करें, दैट्स इट, है ना। गॉड ब्लेस। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू दोस्त। मैम, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड फंक्शन के बारे में, कितना प्राउड?
I'm here to give awards and IIA awards last year भी मैंने attend किए थे, so I came again. It's great to award influencers. आज जो एक common man की ज़िंदगी में influence हो रहा है तो इन influencers का तो बहुत अच्छी बात है. And these are very few among millions कि they do things differently. So it is nice to recognize this kind of creativity and talent. जो सोशल मीडिया ने जिस तरह का फूल लाया उसको लेके क्या कहना चाहिए, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश में बढ़ गए हैं, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, सोशल मीडिया हो, सो मच ऑफ मनी कमिंग इन फॉर इवन दीज यंग पीपल. दे आर अर्निंग लाइक माइंड ब्लोइंग फिगर्स विच वी नेवर इमेजिनड ऑफ, सो दैट इज ग्रेट. बट आई वुड जस्ट से दैट अगर वो ये सब चीज़ें कुछ अच्छे के लिए यूज़ करे ज़्यादा, ऑलरेडी दे आर डूइंग गुड, बट और भी ज़्यादा कोई कॉज लेके या कोई समस्या लोगों के सामने लाना, इन चीज़ों के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन करे तो द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. या आई हैव सम सॉन्ग्स कमिंग इन बट टुवर्ड्स जैन. या थैंक यू. थैंक यू. स्टाइलिस्ट के लिए आई एम नॉमिनेटेड मोस्ट स्टाइल्ड, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. आल्सो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आप, गाउन के बारे में कुछ बताइए हमें. मुझे नेहा, यू नो नेहा यूजुअली स्टाइल्स मी, नेहा द्वीप महाजन, उन्होंने स्टाइल किया है एंड आई एम वेयरिंग नीतूस, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट क्योंकि दिस इज़ पहली बार मैंने ऐसे बॉडी हगिंग गाउन पहना है, नॉट जस्ट अ इवनिंग ड्रेस और समथिंग लाइक दैट. I'm happy about it. Also, I have मैंने इसको combine किया है darker shade of lips and smoky eyes. So this is the first time where मैंने dark theme choose करी है अपने लिए and I'm थोड़ी सी scared. See, I hope it goes well. But yeah, I carry everything nicely. So I think. जैसे कि और दिन का दौर चल रहा है, कोई web series वगैरह आ रही है आपकी? नहीं, अभी बातचीत चल रही है, but ऐसा कुछ नहीं है. मैं नहीं फॉलो कर रही, नहीं. ओके मैम, इस अवार्ड का जो टाइटल है इन्फ्लुएंसर अवार्ड है और इन दिनों काफ़ी इन्फ्लुएंसर वर्सेस टीवी एक्टर फाइट होती रहती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इन्फ्लुएंसर के माइंड भी हैविंग अ गुड फॉलोअर, लेकिन जो एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग से जाने जाते हैं, उनके काम को लेके जाने जाते हैं, तो उनके काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये फिजूल फाइट है, इसमें कोई बहस करने की बात नहीं है. हर किसी का काम ज़रूरी है, मेरा काम ज़रूरी है, आपका भी काम उतना ही ज़रूरी है, और एक्टर का काम ज़रूरी है, इन्फ्लुएंसर का एक डिफरेंट काम है, उतना ही ज़रूरी है. सो आई ये कोई मुद्दा नहीं है बहस का. थैंक यू. माय प्लेजर. थैंक यू.
ये मनीष घरात एक डिज़ाइनर है, उनका आउटफिट है एंड एक झलक में मुझे देखते ही पसंद आ गया था, मेरे को लगा यही पहनना चाहिए अवार्ड शो में, सो दैट्स व्हाई हियर आई एम विद दिस आउटफिट। स्टाइल आइकॉन का नॉमिनेटर है, सो येस आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स को लेके अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी है, आई मीन आई थिंक इट मोटिवेट्स यू टू डू बेटर इन लाइफ, so I am happy and honored to be here. मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं बोलती हूँ तो फिर वो मतलब पुश हो जाता है, फिर मैं इससे बेटर है कि वेट करती हूँ, डेट एक बार आ जाए उसके बाद आप सबको पता चल जाए। फ्रेंड तो कोई भी नहीं है बट डेफिनेटली फ्रॉम आर टीवी इंडस्ट्री अंकिता लोखंडे है, तो मैं डेफिनेटली उनको ही सपोर्ट करूँ। जैसे कि घर में चालू है टीवी, क्या क्या चालू है? अच्छा हाँ करेक्ट, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, आई मीन इस बार क्या किया इन लोगों ने, डिफरेंट वर्जन ऑफ द पीपल दे हैव गॉट इन द शो, मतलब जो टीवी के भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग आए हैं, सो वो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है देखने में लोगों को, सो उनकी अलग अलग चीज़ें नज़र दिख के आ रही हैं, सो काफ़ी एक्साइटिंग है आई एम श्योर, आई मीन आई एम श्योर टीवी के लोगों को लोग रियल में देखना चाहते हैं कि रियल में कैसे हैं, सो इट्स अ गुड शो। आई थिंक दे मिस मी टू मच, आई थिंक वो मेरा जो हमारा जो इंसिडेंट था वो काफ़ी लोगों को पसंद आया है, दैट्स व्हाई दे कीप रिमाइंडिंग इट अगेन एंड अगेन एंड आई थिंक मेरे बगैर शो हिट होना मुश्किल है, इसलिए वो बार बार याद करते हैं शायद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वेरी बिग गुड इवनिंग टू एवरी वन, मैं नॉमिनेट तो नहीं हुई हूँ, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स को चेयर करने आई हूँ और इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है सारे लोगों को और काम करने के लिए मोटिवेट करता है, सो या आई एम हियर टू चेयर एवरी वन।
एक्चुअली अभी जैसे कहा कि प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जब ज़्यादा बात करते हैं तो थोड़ा सा कभी जिंक्स लग जाता है, तो मेरे ख्याल से जब अनाउंस होगा तो सबको पता चलेगा. बट हाँ, एक चीज़ रिवील कर सकती हूँ, आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद बाबुल सुप्रियो. सो ये आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. हाँ जी, हाँ मैंने भी सुना है और मैं फॉलो करती हूँ एक्चुअली. एक्चुअली सभी अच्छा खेल रहे हैं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, माइंड गेम है जैसे कि, तो सब अपनी अपनी तरह से अपना बेस्ट दे रहे हैं. लेकिन मैं अगर प्रेफरेंस की बात करूं तो अंकिता लोखंडे को मैं काफ़ी प्रेफर कर रही हूं, अच्छा खेल रही है. लेकिन जब वो अकेले खेलती है तो ज़्यादा अच्छा खेलती है, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा रिजर्व हो जाती है वो, तो शायद वो ओपनली और खेले तो मज़ा आएगा. और मुनावर को मैं ज़्यादा उसका पसंद कर रही हूँ काम, क्योंकि वो भी अच्छे से खेल रहा है अभी और कॉमेडियन है तो सबको हंसा भी रहा है, तो उसका एक अलग रोल है. मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है प्लॉटिंग कर रहा है, वो काफ़ी नेचुरल है, जैसा वो है वो वैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ही इज प्लेइंग रियली गुड. एक्चुअली की आवाज़ें हो रही हैं. पता नहीं, जेन्यून लव तो दिख रहा है, लेकिन अभी एक्सपोज होने के बाद पता चलेगा कि फेक है या जेन्यून है. लेकिन अभी तक तो सब जो खेल रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है. और मुझे आई डोंट थिंक सो एनी वन इज़ मास्टर माइंड इन दैट, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं और अच्छे तरीके से खेल रहे हैं. लेकिन हाँ, मैं सपोर्ट मुनावर को करूँगी, विकी अपनी तरफ से सही है, सब अपने अपनी तरफ से गेम खेल रहे हैं. आई गेस डोमिनेटिंग थोड़ी सी तो है, जो एक्चुअली कैरेक्टर निखर के आता है, आप रियल आ ही जाते हो, क्योंकि इतने दिनों तक आप बंद रहते हो तो जो रियल पर्सन है बाहर आता ही है. तो या शी इज़ डोमिनेटिंग, आई थिंक सो शी इज़ डोमिनेटिंग. और वो सब हाउसमेट्स को भी वैसे ही लग रहा है, और शायद उसी की वजह से सारे पंगे होते हैं. लेकिन वो स्पाइस भी है, उन लोगों को पसंद भी आता है, लड़ाई झगड़े और सब होना भी चाहिए. बट आई सपोर्ट हर बिकॉज शी इज़ अ फ्रेंड एज वेल, सो आई सपोर्ट हर. सो आई गेस दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हमको मिल गए हैं, एक मुनावर एक अंकिता. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. या थैंक यू सो मच. थैंक यू. First of all, I'm very glad to be here. This is a great platform for everybody to showcase their talent, to be recognized for what they're doing. But I think bahut hi acha initiative hai and bahut hi I think reputed initiative hai, and I'm very glad to be a part of this initiative. Aur nomination or award jo hai uske liye I'm very grateful and very thankful. So very great place to be showcasing your talents, and fantastic evening overall. Looking forward and very very excited. Yes, thank you. That's it. Good. जल्दी आओ, कहाँ पे आऊँ?
एडवोकेट तो चाहिए सारे केस लड़ने के लिए। हाँ जी चलिए बोलिए। अरे यहाँ वहाँ क्या है तो छोटू आने वाला आया तेरे क्लोज आऊँ मैं खत्म करूँ ना भाई तो कितना लेगा कंटेंट प्रोवाइडर तो आ जाए हाय कम चलो अभी अभिषेक है या कौन आ सकते नमिता वोडा भी तुम्हें क्या आप बताओ। देखिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है लोगों के अप्रिसिएशन को उनकी मेहनत को सराहना एक्टर्स हो जाए या इंडस्ट्री के काफ़ी लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं एक्टर्स हैं अचीवमेंट जिन लोगों ने किया हुआ है तो काफ़ी एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छा एक एक्सपोजर है इन सब लोगों के लिए तो मैं काफ़ी बधाई देना चाहूँगा इसके ऑर्गेनाइजर्स को और इनके लोगों को कि अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को साथ में जोड़ने का और लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट करने का। आई रियली कंग्रेचुलेट IIA अवार्ड कि यहाँ आए हैं हम नॉमिनेट हुए हैं एंड वॉज ऑल सेलिब्रिटीज आर कमिंग एंड ऑफकोर्स इतनी मेहनत के बाद अवार्ड रिवॉर्ड तो होना चाहिए है ना। सो गुड मैं घर घर में फेमस हूँ लोगों को बहुत पसंद आती हूँ तो थैंक्स टू ऑल मीडिया थैंक्स टू ऑल पेपराजी थैंक्स टू माय फैंस एंड दिस अवार्ड नाइट के हमें इनवाइट किया यहाँ पे एंड मुझे लगता है कि मीडिया को अवार्ड देना चाहिए हम लोगों को घर घर पहुँचाने के लिए। वो डेफिनेटली बहुत सारे मैं पंजाबी वीडियोस पंजाब में वीडियोस कर रही हूँ दुबई में पंजाब में अफसाना खान का बहुत ही लवली वीडियो मेरा आने वाला है अभी फ़िलहाल हम लोग इस अवार्ड के बारे में ही बात करेंगे एंड बस दैट्स नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एडवोकेट भी हैं एंड ही लुक लाइक अ स्टार ऑल्सो सो आई थिंक मैंने तो इनको बोला कि तुम मेरे साथ एक सॉन्ग करो ब्यूटी इज इन द क्या बोलते हैं उसको बी होल्डर आंखों में ब्यूटी होती है तो उनकी आंखों में खूबसूरती है तो वो खूबसूरती को पहचान सकते हैं। चलो आ मैं आपको कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड के बारे में।
थैंक्स टू कुणाल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक्स फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट. बस ऐसे ही प्यार करते रहिए. थैंक यू. बिग बॉस को तो आई डोंट फॉलो बिकॉज़ आई डोंट लाइक, सो यस. थैंक यू. थैंक यू. आई अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जैसा कि हम सब कुछ सालों से देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है यंगस्टर्स के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए, और बहुत बहुत लोग इसमें अच्छा काम कर भी रहे हैं. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मुझे बहुत पसंद है जो कि मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर. तो जब भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किसी को एक अच्छी राय देने के लिए या एक अच्छी पॉजिटिविटी से मिलती है तो मुझे बहुत पसंद आती है. सो ये जो एक प्लेटफॉर्म है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, वो मेरे ख्याल से ऐसे अवार्ड फंक्शन से एक नए लेवल पे चलेगा. यार मेरा कुछ आ रहा है, मैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि जब तक आपको पता है, जब तक मेरे हक में नहीं है मैं डिस्कस नहीं कर सकता. तो एक बार सारी चीज़ आ जाएगी तो मैं, मुझे ही बहुत खुशी होगी आप सबको बताने में. अरे हाँ बोलो. पूरा पूरा फॉलो कर रहा हूँ. आज न्यूजीलैंड हार गई यार, 5 रन से हार गई. मैं हूट कर रहा था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी आज. बिग बॉस बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, सॉरी. अंकिता लोखंडे, हम पहले एक साथ जी के शो कर चुके हैं तो उसके थ्रू उसके वजह से. हाँ जी अंकिता लोखंडे, क्योंकि हम साथ में जी के शो कर चुके हैं तो मैं उन्हें जानता हूँ. उनके हस्बैंड जो विकी जैन है उन्हें जानता हूँ. उसके अलावा मैं ज़्यादा पर्सनली किसी को जानता नहीं हूँ. सो अच्छा वहाँ सेम ओके. यार देखो यार, दोनों का काम इन द एंड तो एंटरटेन ही करना है. हम टीवी पे करें वो यूट्यूब पे करें, वो वहाँ मेहनत करते हैं, हम यहाँ मेहनत करते हैं. तो मेरे ख्याल से ये टीवी वर्सेस यूट्यूब छोड़ के हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हैं तो हम एंटरटेनमेंट दुनिया के ही. ठीक है चलो वो यूट्यूबर्स हैं, हम टीवी एक्टर्स हैं यार. इसमें मुझे नहीं लगता कुछ ग्रुपिज्म नाम की कोई चीज़ है. हाँ करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लाल पीले काले नाले किस पे भी कर सकते हैं. तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं. यार मेरे ख्याल से लोगों के ना जहन से अभी तक वो शो उतरा नहीं है. मेरे लिए वो एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट था जो मैंने अपने तहे दिल से किया जितना मैं कर सकता था, और मैं बाहर आ गया. तो जिस दिन मैं बाहर आ गया तो मेरी ज़िंदगी से वो बिग बॉस का प्रोजेक्ट था जो ख़त्म हो गया, जैसे कि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स भी ख़त्म होते हैं ना. बट मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट अभी भी ऑन है और उनको शायद मज़ा आता है लोगों को ट्रोल करने में या फिर किसी के प्रोफाइल पर जाके उन्हें कुछ ऊपर नीचे सुनाने में. तो मेरे बस का है नहीं और मैं ध्यान देता नहीं उस चीज़ पर. आप जब बोलो तब देख सकते हैं यार. अभी तो फलक की शूट शुरू हुई है कल ही, उसके शायद स्टोरी से आप लोगों को कुछ हिंट मिली होगी. तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, उसकी शूट शुरू हो चुकी है. थैंक यू. First of all, thanks Kunal bhai for inviting me
फॉर इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स हर साल कुणाल भाई बुलाते हैं और उन्होंने इतना प्यार दिया. एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनों से मीट एंड ग्रीट होता है और अपनों के साथ सम्मान होता है, अपनों का सम्मान होता है. तो थैंक्स कुणाल भाई फॉर इनवाइटिंग. सम अवार्ड्स, अवार्ड फंक्शंस हमेशा ही अच्छे होते हैं एंड आई एम सो ग्लैड दैट पीपल कीप कॉलिंग एंड अवार्ड से सराहते रहते हैं. एंड एक्टर्स के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. सो एक ट्रेंड सेटर अवार्ड जो है वो मुझे देने के लिए बुलाया गया है IIIA ने एंड फील्स ग्रेट अबाउट इट. एंड मेरी मम्मा आई है मेरे साथ में, आप पूछने वाले हैं. मम्मी फर्स्ट टाइम मुझे अवार्ड लेते हुए देखने वाली हैं. She has never seen me receiving an award. उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स देखे हैं. क्या बोलते हो आप, बचपन से अवार्ड्स लेती आ रही हूँ. तो काफ़ी सारे अवार्ड्स मम्मी ने अपने घर पे देखे हैं बट रिसीव करते हैं फर्स्ट टाइम देख रही है. एंड सच अ प्राउड मोमेंट एक्चुअली जब अपने पेरेंट्स के सामने आप अवार्ड्स लेते हैं. थैंक यू. कुणाल भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा अवार्ड किया है. कुणाल भाई हमारे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छा ये कर रहे हैं और दूसरा अवार्ड मिला है उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है. आगे जाके और बड़े बड़े वेन्यू पे बड़े बड़े इवेंट करेंगे. कुणाल भाई के साथ हम खड़े हैं, जो भी इनको रहेगा हम इनके साथ करेंगे, जो भी सपोर्ट रहेगा लगेगी हम करेंगे. थैंक यू, थैंक यू. स्टार्ट करा दिया, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया. नहीं बोला ना फर्स्ट भाई साहब. अच्छा Thank you.
pretty excited. This is the first time that I'm visiting India International Influencer Awards. Although main influencer nahi hu, par actor automatically influencer ban jata hai. So I'm happy that I'm here today and glad to be part of this. I think best actor critics category mein nomination hua hai. So for the show that I'm doing currently, Woh Main Kisi Ke Pyar Mein. So yeah, I hope so. Let's see. Thank you. Of course, I'm very happy. So बहुत बढ़िया कर रहा है और लोगों का बहुत प्यार भी मिल रहा है. तो मैं बस चाहता हूँ कि लोगों का प्यार इस तरीके से बना रहे. हम खूब एंटरटेन करते रहेंगे और आगे आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं एंड आई होप हम और ऊँचाइयों पर जाएँ. बहुत अच्छा लग रहा है. हमेशा मेरी लाइफ में लोग मेरे टीचर रहे हैं, इस बार मैं टीचर बन रहा हूँ. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग और मज़ा आ रहा है ये किरदार प्ले करके, क्योंकि मैंने ऐसा किरदार कभी पहले प्ले नहीं किया. थैंक यू. यार स्टाइल यूनिक ही करना चाहिए और ये मेरा मतलब मेरा एक वाइब है, मैं जो हमेशा कैरी करता हूँ. वाइट मेरे एक एंजल कलर है जिसको मैं जो मुझे बहुत पसंद है और मज़ा आएगा आज. आई थिंक यार बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर एक आर्टिस्ट के लिए, जो लोग भी मेहनत करते हैं, जो लोग यू नो अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, डेली हार्डवर्क करते हैं और उनको जब एप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है. So I'm really happy that I'm invited here and I'm really looking forward कि क्या होने वाला है आज और let's go. मतलब हम इन्फ्लुएंसर्स ऑडियंस के लिए काम करते हैं एंड जब कुछ अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि हमारा काम अप्रिशिएट किया गया है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ आके इतने बड़े स्टार्स के साथ. तो आई एम रियली हैप्पी. यार मैं तो बिग बॉस पहले नहीं देखती थी बट इस साल कुछ बहुत ज़्यादा धमाका हो रहा है तो आई एम वॉचिंग इट एंड या इट्स प्रीटी ग्रेट. क्योंकि गॉसिप किसको नहीं पसंद है यार. आई फील दैट मुनव्वर इज़ प्लेइंग रियली स्मार्टली. वो बहुत सेंसिबल चीज़ें बोलते हैं एंड विक्की भैया जो है इज़ रियली फनी. सो आई थिंक दीज टू आर माई टॉप फेवरेट्स राइट नाउ बट लेट्स सी के बाकी सब क्या खेलते हैं क्योंकि अभी एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ है. सो या आई थिंक मुनव्वर लॉकअप भी जीता है एंड ही नोज हाउ रियलिटी शोज वर्क. तो आई फील एंड आई होप मुनव्वर विंस बिकॉज ही इज़ वेरी सेंसिबल. वो जो पॉइंट रखते हैं वो बहुत अच्छे से रखते हैं एंड ऐसा लगता है कि उनको क्लियर पता है. यार देखो गेम तो सब खेलने आए ना. इट्स बिग बॉस तो सबको पता है कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सब लेके आते हैं एंड आई फील के मुनव्वर की बाहर गर्लफ्रेंड है तो वो इस बार लव एंगल तो नहीं चलाएंगे. उनको घर जाके पिटना नहीं है.
तो उसके बाद शायद पिटाई हुई होगी थोड़ी बहुत, तो आई फील अभी वो सेम गेम नहीं चलाएगा. बाकी मुनारा और मुनव्वर का जो कनेक्शन है, आई फील इट्स रियली क्यूट. आई थिंक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं एंड अभी जो कनेक्शन दिख रहा है इट्स काइंड ऑफ क्यूट, फ्रेंडली है, केयर है. अब वो प्यार में बदलता है पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई फील के अभी तो दोस्ती है. थैंक यू गाइस सो मच. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और यहाँ आई हूँ और फाइनली लेट्स सी क्या होता है. और मैं जानना चाहूँगा किस कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है. ये मेरी एक फिल्म आई थी उसकी कैटेगरी का मुझे अवार्ड मिला है और कुछ अच्छी चीज़ें चलती रहती है सोशल मीडिया पर उसको लेकर. मेरा शॉर्ट फिल्म आने वाला है अंजनी सुध, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बिग बॉस कितना फॉलो कर रहा हूँ? बिग बॉस देख रही हूँ. अच्छा चल रहा है. अगर आपको मौका मिले रियलिटी शो में जाने को तो कौन सा रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? बिग बॉस आई प्रेफर. सलमान खान की वजह से. थैंक यू. अवार्ड के बारे में यही कहना चाहेंगे कि अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिस्ट जितने भी काम कर रहे हैं सबको एक इंतूजियाज़म, एक अंदर से एक अच्छी भावना पैदा होती है और जब अवार्ड मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. सभी कलाकारों को बहुत उत्साह होती है और काम कर. सेम बात कहना चाहूँगा मैं भी कि अच्छा लगता है, लोग पूरे साल काम करते हैं और ये अवार्ड्स जो भी होते हैं इनसे मोटिवेशन मिलता है लोगों को, सबको बहुत अच्छा लगता है जब घर अवार्ड लेके जाते हैं. सो इट्स रियली नाइस एंड आज देखते हैं किस किस को किस कैटेगरी में क्या क्या अवार्ड मिलते हैं. वी ऑल्सो गेटिंग एन अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर आर लेटेस्ट सॉन्ग फैंटेसी विच जस्ट गॉट रिलीज विद कनिका कपूर. सो वी बोथ आर एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी दैट वी गोइंग टू गेट वी गोइंग टू रिसीव एन अवार्ड. थैंक यू. So I'm Anish Chhabra and yes and right hi. So I've been awarded for the most famous singer and performer of the year and I'm very excited to be here today. The arrangements are looking very nice and I'm very excited to meet everybody and a very great platform that IIIA has arranged for all of us today where we are giving a great platform all to all the budding artists and everyone to be given respect to.
anything else that you guys would like to say? Thank you. ज़्यादा बिकॉज आपको मेरा नाम तो पता होगा, आई एम कोमल ठक्कर एंड आई एम अ फर्स्ट गुजराती एक्ट्रेस जो दो बार रेड कारपेट पे जाके आई है और आज ये अवार्ड में आगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. थैंक यू. सो न्यू लुक, अभी बात ये है न्यू लुक के बारे में कि शो कर रहा था पुण्यश्लोक अहिल्या भाई, तो उसके चलते चलते बाल इतने बड़े हो चुके तो आज ऐसे ही सुबह सुबह सोचा कि कुछ इस बार अलग करके जाते हैं अवार्ड्स में. सो इस बार कुछ अलग ट्राई किया है. कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ बस, फिर और क्या चाहिए. क्या लगता है आपको? कुछ भी, एक्टर और क्या, बट इन्फ्लुएंसर स्टार भी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एट द एंड 1 मिलियन है तो कोई नहीं उसका तो बस. फिर और लोग हो रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है. यस यस, बस ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहो, साथ देते रहो. जितने अवार्डीज है क्या अभी शुरू हो रहा है कि हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अवार्ड जब किसी भी कलाकार को मिलता है तो उसमें जोश आ जाता है, उसके लिए मौज आ जाती है. तो ऐसे मैं अवार्ड फंक्शन को सलाम करता हूँ IIA कि आपने मेरे अंदर जोश और मौज भर दी इस अवार्ड की वजह से, वरना आज के ज़माने में जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है. तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबको बहुत मुबारक हो जिनको अवार्ड मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है वो कोशिश कीजिए अगली बार मिलेगा. और हमारी पूरी फिल्म जो आ रही है गाली गलौज, उस फिल्म की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हर अवार्डी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं. लव यू ऑल, आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दरअसल निरपाल. हल्का हल्का तो देखा मैंने, और सलमान भाई के तो हम सभी फ़ैन हैं, तो मैं समझता हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान सबका फेवरेट है सलमान. तो मैं समझता हूँ कि जैसी ही फिल्म आएगी 1000 करोड़ तो कमाएंगे भाईजान. ये मुझे लगता है क्योंकि टाइगर जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो या चाहे टाइगर सलमान खान हो या टाइगर हमारा साउथ का रवि तेजा, हाँ वो, यस, सारे टाइगर को सलाम है. टाइगर को बचाओ, फिल्म देखने जाओ. आ जा सक Thank you.
बहुत एक्साइटेड हूँ. लेट्स सी हाउ इट गोज. लाइक दिस इज माय फर्स्ट टाइम कमिंग फॉर दिस अवार्ड शो एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. एंड या थैंक यू. First of all, I'm very thankful कि मुझे यहाँ के लिए इनवाइट किया एंड आई होप द इवेंट विल गो वेरी वेल एंड या आई एम रियली एक्साइटेड. थैंक यू. यार आप सब लोगों का और क्या, इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ. जी बताइए. देखिए मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ बट अगर मुझे अवार्ड मिले या ना मिले बट मुझे एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मिलने वाला है बिकॉज मुझसे काफ़ी सीनियर लोग हैं, काफ़ी जूनियर हैं और काफ़ी मीडियम में भी हैं. तो लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उन लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ. तो यस अच्छा लगेगा मुझे. होप सो अगर आज अगर अवार्ड नहीं मिला बट इफ़ अगर मुझे मिलना चाहिए तो एज अ गुड, नॉट लाइक हाई फाई, गुड डांसर के लिए मिलना चाहिए एज अ कोरियोग्राफर या फिर लाइक एज अ गुड डांसर. थैंक यू सो मच. कौन सा ये व्लॉग जल्दी आएगा. I'm actress Kainat Khan and thanks for calling me. Invited Kunal Thakkar. Thank you so much Sara and group to invite me here. Thank you so much. पूछो
वो तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ, सबसे पसंद तुमको ही है, सो स्पेशली तुम्हारे लिए. एंड व्हेन इट कम्स टू दिस अवार्ड नाइट, इट्स अ ग्रेट ग्रेट अवार्ड नाइट स्पेशली फॉर इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज वी आर गिविंग आवर बेस्ट एंड वी नीड अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. मैं हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ. ऑल डिज़ाइन आर मोस्टली बाई मी, सो आई हैव माई ओन पर्सनल डिज़ाइनर हु सेट्स फॉर मी. प्रोजेक्ट तो बहुत सारा है, धमाका एक के बाद एक होने वाला है. सो वेब सीरीज आर कमिंग अप, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट. 2-3 म्यूजिक एल्बम्स आर ऑन द पाइपलाइन एंड समथिंग मोर बोल्ड, मोर सेंसुअस, मोर ऑफ कॉन्टेंट एंड मोर ऑफ मसाला कमिंग अप. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैं तो बंगाली हूँ तो मुझे हिंदी का बहुत प्रॉब्लम था. तो आई स्टार्टेड विद म्यूज़िक एल्बम्स और एक के बाद एक मेरा सारे गाने हिट्स हुए, मतलब मैं एज अ फेस. तो आई एम वेरी हैप्पी, आई जस्ट स्टार्टेड एंड आई एम थैंकफुल टू MTV इंडिया हु सपोर्टेड मी फॉर देयर शोज. नाउ माई वेब सीरीज़ आर कमिंग फ्रॉम ओल्ड बालाजी एक्स लाइट टिप, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. लेट्स सी, मेरा पहला हिंदी, लाइक मेरा हिंदी थोड़ा इशू है तो पहला हिंदी वेब सीरीज़ शायद अच्छा जाए. आई एम लीड देयर फॉर रिक बासु. Excited to this is a standard question I get asked everywhere, so very excited, that's why I'm here. There's a designer called Siddharth Titler, ye unka creation hai, and I'm very happy to be wearing this. I'm getting an award for being the fashion disruptor, so happy to be here for that. In fashion, as the fashion disruptor of the year. So I think this is disrupting, matlab, yeah. Yes, abhi to maine Adhura naam ki web series kari thi, jo aapne shayad dekhi hogi. Amazon pe hai is samay available, 2 mahine pehle aayi thi. Now next is, I've done a web series for Viacom.
It's just going to come out hopefully by December. Yeah, so that's another series that you should watch. It's for Jio. Now that there is a fight going on between actors and social media influencers, I mean, followers and likes and all, you can buy. 10 rupees mein you can buy 3,000 likes. Isme what's the big deal? Likes or followers, it stands for nothing. Aap Instagram ya social media jis bhi platform pe hai, aapko apna personality out there. You have to put your personality out there. Agar logon ko pasand aayegi, wo aapko follow karenge aur wo aapki tribe hogi. That's the idea. Abhi 10 rupees mein if you'll buy followers, then wo aapke log nahi hai. Yeah. Thank you. Thank you. तुम काफी स्लिम हो गए हो, तुम्हारा वेट मैंने ले लिया. हाँ, मैं बीच में थोड़ा वर्क करती, थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यूज था इसीलिए. नो, आई एम ऑल्सो रिसीविंग अवार्ड. And yeah, wish them Kunal for organizing this award. जो award उसने organize किया है बहुत अच्छा जाए, and I'm sure it's gonna rock. मुझे offers तो काफ़ी आते हैं, अभी तक मैंने decide नहीं किया है. Let's see, maybe बाद में कभी. नहीं नहीं, 24 नवंबर रेड रिलीज़ हो रही है, फायर ऑफ लव रेड, जो मैं कृष्णा अभिषेक के साथ कर रही थी. सो दैट फिल्म इज़ गेटिंग रिलीज ऑन 24 नवंबर. एंड या अदर मूवीज़ आर ऑल्सो इन पाइपलाइन, तो सब शूट शुरू हो जाएगा. थैंक यू. Yeah. Okay, well, this is a big thanks to Mr. Kunal Thakkar, who gave me this opportunity actually. So I got an award of the best young rising lifestyle vlogger. So I promote, like how you promote us, so I promote the product, the brands, in fact the celebrity, whatever in the best thing in the market, so I promote that. So big thanks. Thank you so much. Thank you. अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट थोड़े काम आ रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट डालें. थैंक यू.
Thank you. Short film for FNT, it was called Blind Love 2, and I think I've been getting awarded for that, the best actor. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
रेड पहनने का मन था एंड दैट्स इट. मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ हर अवार्ड में. मैं यही बोलती हूँ कि फैंस की वजह से हम लोग यहाँ है. थैंक यू टू ऑल माई फैंस फॉर सपोर्टिंग मी. या एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. किसकी बात कर रहे हो आप? थोड़ा बहुत. हाँ, मुनावर इज़ गुड. मुनावर काफ़ी फन इंसान है. शेर व शायरी अच्छा करता है, मस्ती करता है. सो मुनावर इज़ नाइस. और मुझे नाविद भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इज़ वेरी जेन्युइन एंड रियल. किसी OTT में? वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू. बहुत खुश हूँ. और लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे IIA के लिए और इस बार भी हम लोग को नॉमिनेट किया गया है. स्टाइल आइकन के लिए नॉमिनेट किया गया है. देखते हैं जाते हैं. खुश हूँ. सॉन्ग्स नहीं, तैयारी चल रही है. आप लोग देख रहे होंगे अभी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ. अभी तक का बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है इंशाल्लाह. तो कुछ बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है. पहले से रिवील कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा. बस तैयारी चल रही है. आप लोगों को मिलेगा जल्दी. मुनव्वर, हाँ मुनव्वर को भी जानता हूँ मैं, वो भी दोस्त है. अंकिता लोखंडे मैम को भी जानता हूँ. विकी भाई को भी जानता हूँ. विकी भाई भी बहुत अच्छे दोस्त है.
उसके बाद में अभी भी है वो भी कंटेंट क्रिएटर भी था पहले साथ में सीरियल के साथ में वो कंटेंट क्रिएशन भी करता था और जब मैं रियलिटी शो में था तब वो उसने मुझे सपोर्ट भी किया था। अभी तो सभी अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा कम खेल रहे हैं अभी, पर मुझे लग रहा है कि इस बार के मास्टरमाइंड विक्की भाई रहेंगे। ऐसे तो मेरे को कुछ दिख रहा नहीं है अभी, मैं उतना शो देखा नहीं हूँ। वैसे जो भी कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं और इस बार का बहुत एक ओवरऑल पैकेज है और कुछ कुछ नई नई चीज़ें जो लेके आ रहे हैं, देखने में लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इससे पहले भी आया था मैं तो मुझे मिला था, तो इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं अभी तो नहीं आने वाला, बस प्लानिंग चालू है, बहुत सी चीज़ों पे वर्क चालू है, बस जैसा जैसा आएगा मैं बताते जाऊँगा। फैन के लिए क्या मैसेज दोगे? फैन के लिए बस ये मैसेज करूँगा कि हमेशा इसी में सपोर्ट करते रहो और आप लोग के लिए ही हम लोग ये सब कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों लाइनअप है, सब एक एक करके आएंगे आप लोग के लिए। थैंक यू। और दूसरे शारी उनको सबको चीयर करने में आई थी, मेरे काफ़ी दोस्तों को यहाँ अवार्ड मिला है और इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड हैं ये, तो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं ये सारे अवार्ड। सो आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड अभी मैं अवार्ड्स देख के आई हूँ तो इट्स वेरी वेल ऑफ। कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, उन्होंने इतने अच्छे अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए हैं, हमने काफ़ी सारे फ्रेंड्स का अवार्ड मिला है, तोशी को अभी मुझे मिला था और उसे अवार्ड मिला है और सारे इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड मिला है और इतने अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है तो मुझे बड़ा मज़ा आया। हम सबको चीयर कर रही थी यहाँ पर। आज मैं नॉमिनेटेड नहीं थी क्योंकि अभी मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो यार नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ पर अवार्ड लेने आऊँगी। थैंक यू। Of course, come here. You want to click here? एक्चुअली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, यू नो इट्स समथिंग दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्राइड कि मैं इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ हूँ एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट चाहे मैं जीतूँ या ना जीतूँ, आई थिंक जितने भी नॉमिनीज है एवरीबॉडी इज अ विनर, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फन नाइट एंड या हैप्पी हैलोवीन। आई थिंक एक एक्टर को भी आजकल इन्फ्लुएंसर होना बहुत जरूरी है एंड एट द सेम टाइम यू नो जब मैं एक्टर बना था अबाउट 8-9 साल पहले, ये इन्फ्लुएंसर जो टैग था, ये जो डेजिग्नेशन था, इट डिड नॉट एग्जिस्ट। बट टुडे यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में इतने अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं, सो आई थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई होप आई एम ऑल्सो एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल्स परसेप्शन। यस आई हैव अ धर्मा फिल्म कमिंग अप इन डिसम्बर कॉल्ड योद्धा विद सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड दिशा पाटनी एंड राशि खन्ना, लुकिंग फॉर टू दैट एंड आई हैव अ शो विद के के मेनन कमिंग अप कॉल्ड मुर्शिद, that should be out sometime next month. So these are the upcoming releases right now. Yeah.
So, मुझे मिल रहा है फैशनिस्टा अवार्ड ऑफ द ईयर एंड फैशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आई थिंक इट डिफाइंस मी एज अ पर्सन. सो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड आई होप कि मैं नए नए फैशन लुक्स के साथ आप लोगों को और ज़्यादा एंटरटेन करूँ. सो यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. बहुत जल्द आप लोग मुझे एक दूसरे अवतार में देखने वाले एक नए प्रोजेक्ट में. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. आई होप यू गाइस लाइक इट. आपको रियलिटी शो से बड़ा ऑब्सेशन है ना, हमेशा मुझे पूछते हो उसके हवाले से. नहीं, रियलिटी शो थोड़ा सा टाइम है बट उससे ज़्यादा आता है. आई प्रॉमिस आप लोगों को पसंद आएगा. बिग बॉस 17 मैं ऑनेस्टली फॉलो नहीं कर रही हूँ, पर मेरा एक दोस्त है अभिषेक जो उसके अंदर है और मैं उसको फुल सपोर्ट कर रही हूँ और आप लोग भी उसको बहुत सारे वोट्स दें. अभिषेक ठीक है. आई थिंक सबका मोहब्बत जताने का तरीका अलग अलग होता है. अभिषेक में भी थोड़ा सा अग्रेसिव है बट दिल का बहुत साफ है और मेरा दोस्त है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ. आई थिंक मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है, लोगों का दिल तोड़ देती है, तो अभिषेक के साथ भी वही हो रहा है. बट ऑल आई नो इज वो दिल का अच्छा है और ही डिजर्व्स द बेस्ट. तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि वो सेंसिटिव इंसान है. मुझे पता है कि लोग बोल रहे हैं कि ओवर एक्टिंग कर रहा है या वो ऐसा है वैसा है. आई डोंट थिंक दैट इज फेयर टू से दैट कि वो किसी को कॉपी कर रहा है. सबकी इंडिविजुअलिटी होती है बट जस्ट बिकॉज हम बिग बॉस इतने अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, हम रिलेट करते हैं कि हाँ इसकी ये अदा उसकी तरह या उसकी ये अदा इसकी तरह. इतनी जल्दी जज नहीं करते, अभी शुरू हुआ है उसको थोड़ा सा टाइम. ओके हमेशा मुझे देखते हैं स्टाइल्स में, फैशन में, और ब्यूटी पैजेंट की लड़कियां हमेशा फैशन से टॉप नॉच होती हैं क्योंकि ये हमने हमेशा सीखा है. तो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू. बहुत कुछ बोलने को है बट आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. बट जब मौका होगा डेफिनेटली आप सबको पता चलेगा एंड होपफुली सून आप सबको पता चलेगा कि जो नया प्रोजेक्ट है. तो थैंक यू. Let's move on guys, Big Boss is over now, so let's now move on. हमारा तो चला गया right, तो now let's move on and I think आपको और नया content मिलेगा मुझसे. तो thank you. अभी तो फिल्में कर रहे हैं तो आप उसका इंतज़ार करें. मुझे हमेशा लगता था कि रियलिटी शो में रियल रहना ज़्यादा ज़रूरी है बट एक करके मैंने देखा शायद दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी. तो मेरा ये प्रेफरेंस तो नहीं रहेगा बिकॉज अभी मेरा फोकस ये है क्योंकि एक्टिंग इज़ मोर अबाउट रियलनेस, ऑथेंटिकनेस. तो वो मेरा फोर्टे है तो मैं वहीं फोकस कर रही हूँ फिलहाल. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
देखो सम्मान सम्मान ही होता है, ना कोई अवार्ड बहुत बड़ा होता है ना कोई बहुत छोटा होता है। जब भी आपको कोई सम्मान दिया जाता है तो आपको अच्छा लगता है। कलाकार के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उसे सम्मानित किया जाता है और उसके अच्छे कार्यों के लिए, और जब वो कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो
तो उसके लिए उसे सम्मानित किया जाता है। इट्स लाइक जैसे ना हर बार ट्रेंड चेंज होता है, जैसे बोलते हैं कि पहले टीवी पे हम देखते थे, फिर में सिनेमा में देखते थे, फिर एक टाइम आया कि हमने OTT पे देखना शुरू किया अपनी मर्जी की फिल्में, आप फ़ोन पे भी देखना शुरू कर दिया। तो आजकल का जो ज़माना है, आई थिंक डिजिटल ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इन्फ्लुएंसर स्पेशली एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स ये अलग कैटेगरीज बन गई है और सबका अपना अपना टैलेंट है, एक इजी टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है सबको। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सब टीवी तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, अपना डिस्प्ले किया अपने टैलेंट का, चाहे वो रील्स बनाना है, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी है, तो आई थिंक इट्स अनदर प्लेटफॉर्म फॉर इन्फ्लुएंसर्स। अभी मेरा एक शो चल रहा है तेरी मेरी डोरियां ऑन स्टार प्लस, सावी की सवारी कलर्स पे है, ना उम्र की कोई सुमा स्टार भारत पर है, तीन शो चल रहे हैं, वही जान लिए रहते हैं। अभी स्वास्तिक का नया शो शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंथ, रामायण। ये द्रोणाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य, ये कहीं भी तीर मार सकते हैं। तो जैसे अभी शो में हमें इनका बेटा बनाऊँ तेरी मेरी डोरियों में, और उसके अलावा मेरी डोरियों में हस्बैंड माय सन, और दूसरे शो में कोई और इनका बेटा बना, तो इन्होंने सब जगह तीरंदाजी की हुई है, इसीलिए जब हम छोटे थे इनको देखते थे तो गुरु द्रोण क्यों कहते हैं आज समझ में आया। एंड उत्तरन भी, उत्तरन भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो बाद में अच्छा हूँ, ये फ्रेम का सुभाष है, आई एम फ्रॉम DC बैंक, तो सुभाष से यही सुनने में मिला है कि ये फ्रेम बहुत अच्छा है। रात रंगीन है भाई। हाँ सर, मतलब ट्रॉफी के पहले भी रंग लाई थी, बहुत अच्छा लगा, जब पेचक आता है तब भी अच्छा लगता है, यू नो काम करते हैं तो अच्छा लगता है, ये मिलता है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सबके लिए ले रहा हूँ ये सारे गामा, अन्ना, राहुल देव, ईशा, एवरीवन, माय डायरेक्टर्स, हंटर के लिए मिला है, तो थैंक यू सो मच। फैंस के लिए तो बस यही है यार, बॉस थैंक यू सो मच यार, आप लोगों की वजह से, आप लोग इतना हाइप करते हैं, लोगों के पीछे लगे रहते हैं कि जो ट्रूली डिजर्विंग है उन्हें मिले। थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स, आई लव यू गाइस, दिस इज फॉर यू गाइस एज ऑलवेज। बहुत सारा करते हैं, चिल करते हैं, अभी घर जाते हैं, कहाँ करते हैं। थैंक यू। यहाँ पे ये ठीक है,
बहुत ही इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि इस तरह के अवार्ड्स हो रहे हैं बिकॉज काफ़ी सारा नया टैलेंट उभर रहा है और उनके रिकग्निशन के साथ साथ उन्हें आई थिंक अगर अवार्ड मिलता है तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो भी मेहनत करते हैं अगर उसको अप्रिसिएशन मिले, अगर उसे अवार्ड मिले, तो आई थिंक इससे बेहतर और कुछ नहीं. यस यस डेफिनेटली. सो बेसिकली वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग आश्रम 4, आश्रम 1, आश्रम 2, आश्रम 3 रिलीज़ हो गया. आश्रम 4 अब आएगा एंड जो मेरा टीवी का कमिटमेंट है वो चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. कुछ आने वाला है आप लोगों का, दोनों का. हाँ यही आने वाला है कि रब से है दुआ में कुछ बहुत कमाल होने वाला है. ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है. इसके अलावा बोला म्यूजिक एल्बम साथ में करने वाले पूछने वाले बारे में वो तो सरप्राइज है. अभी क्यों बता रहे हो करण? ट्रॉफी के साथ बस आ रहे पीछे पीछे जो थोड़ा पीछे इधर मैडम. कॉन्ग्रेचुलेशन. यहाँ पे देखिए ये भी अब भी आया. अरे आप लोगों ने खाना खा लिया? खा रहे as I'm awarded as most talented teen actress of the year. I feel so obliged right now. You know what, जब किसी एक्टर को अवार्ड मिलता है ना वो उनके काम की ना रिस्पेक्ट होती है. तो आई फील वेरी ग्रेट. आई फील वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू. मेरा न्यू प्रोजेक्ट मैंने अभी रिसेंटली खुफिया करी है और भी दो वेब सीरीज करी है. अभी बहुत कुछ लाइन अप है आगे, सबको धीरे धीरे पता रहेगा. थैंक यू. Thank you. Camera pe bata raha hai.
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई गॉट दिस डबल आई ए अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग टीन एक्ट्रेस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड थैंक यू सो मच. मेरा युद्रा मूवी आ रहा है विद सिद्धार्थ चतुर्वेदी एंड मैंने विक्रम वेदा किया है विद ऋतिक रोशन सैफ अली खान जो सिनेमाज और जियो सिनेमा में आ चुका है तो आप जाके देख सकते हैं. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई गॉट दिस डबल आई ए अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग टीन एक्ट्रेस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड थैंक यू सो मच. मेरा युद्रा मूवी आ रहा है विद सिद्धार्थ चतुर्वेदी एंड मैंने विक्रम वेदा किया है विद ऋतिक रोशन सैफ अली खान जो सिनेमाज और जियो सिनेमा में आ चुका है तो आप जाके देख सकते हैं. थैंक यू.